याद करो। आज वही दिन है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले, ये वही आज दिन है जो क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह ने आज के दिन चेलों के साथ जो फसे भोज, ये प्रभु भोज किया था। उसने कहा था कि लिखा, उसने रोटी तोड़ी और चेलों को दी, फिर एक वाचा के नेम का एक प्याला दिया। उसने कहा, ये मेरा लहू है, ये रोटी नहीं, ये मेरा मांस है जो मैं इस जगत के पाप के लिए देता हूं, और तुम मेरी यादगारी में किया करना, तुम मेरी यादगारी में किया करना। आए वही दिन है, आज वही दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ये फसे भोज किया था, और हम आज उस फसे भोज में, हम इस मीटिंग में आज शामिल हैं, और हम अपने इस भोज को माथे से लगाएंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। मैं ऐसी योग्य नहीं था प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं था प्रभु कि तेरी थी और तेरे लहू का बाकी हो सकता परमेश्वर। ये तेरी करुणा और तेरी दया, तेरे प्रेम से हुआ है जो तूने मुझे अंधकार में से बुलाकर अपनी ज्योति में बुलाया मेरे प्रभु, और मुझे इस योग्य बनाया मेरे खुदावर। ये मेरा कोई कर्म नहीं है मेरे परमेश्वर, ये तेरी दया, ये तेरा प्रेम है जो तूने मुझसे किया कि मैं तेरे दी और लहू का बाकी हो सकूं परमेश्वर। मुझ पापी पर जो तूने बड़ा अनुग्रह किया मेरे प्रभु, मेरे किसी भी अपराध का तूने मुझ पर दोष नहीं लगाया, मेरे सारे गुनाहों की मुझे माफी देकर मुझे गले लगाकर अपने स्वर्ग में बैठाया है मेरे खुदावन। मैं तेरे किए हुए उद्धार को मैं कभी भी परमेश्वर अपने जीवन पर बोलो मैं भूलूंगी नहीं, भूलूंगा नहीं खुदा, किसी मोड़ पर भी मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां, समस्याएं, कैसे भी हालात आए, खुदावन ये तेरा प्रेम जो तूने आज अपने चेलों के साथ बैठकर क्रूस पर जाने से पहले इस बोझ को किया, और आज तूने मुझे इस काबल बनाया मेरे खुदा, मुझे काबल बनाया मेरे खुदा। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने बोझ को लेकर धन्यवाद करो, माथे से लगाओ और उस दिन को याद करो। वही आज दिन है जो आज पूरी पृथ्वी में लोग प्रभु भोज लेते हैं, पूरी पृथ्वी में ये भोज को लेते हैं, और हम इस भोज के द्वारा उस यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को याद करते हैं, और उसके आने की हम उड़ीक करते हैं और याद करते हैं कि वो जिस रीति गया वो आएगा, हमें लेने आएगा। हम एक आशा में हैं, हम एक ऐसे आशा के लंगर में हैं, और ये आशा आपके जीवन में स्वरता दिन ब दिन बढ़ती जाए, दिन ब दिन बढ़ती जाए, उसका प्रेम आपके जीवनों में दिन ब दिन बढ़ता रहे, ताकि खुदा ने जैसे आपको बचाया, आपको जीवन दिया, आपको खुशियां दी, आपको उस पाप से मुक्ति दी, उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दी, उस बीमारी से मुक्ति दी, उस कर्ज से मुक्ति दी, ताकि जैसे आप बचाए गए उसी तरह से आप दूसरों को बचाने वाले बने, आप दूसरों को ये सुसमाचार
यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए? क्योंकि ये दुनिया नहीं जानती, एक बड़ा सत्य है जो परमेश्वर ने आज आप पर प्रकट किया, आप पर प्रकट किया है। इसलिए इस शांति को, इस जीवन को बाइबल कहती, अपने हित की नहीं, अब दूसरों के हित की भी चिंता कर, अपने हित की चिंता छोड़ दो। बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कहती सब कुछ हो चुका है। इसलिए अब दूसरों के हित की चिंता करो, तुम तो पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हो, अब दूसरों को बचाओ, ये दूसरों को ये सुसमाचार दो, ताकि दूसरे लोग बचाए जाएं, दूसरे लोग नाश ना हो, वो नरक में ना जाएं, वो भी पिता के राज्य के वारिस बन जाएं, अपनी गली मोहल्ले अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना। मैंने कहा अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना, बाइबल कहती है, ताकि उनके जीवन में बचाए जाएं। ये वही दिन है, ये आज वही दिन है, और ये आज का दिन बड़ा उत्तम दिन है कि हम आज के दिन में इस भोज में, आज खुदा की पवित्र हाजूरी में हम शामिल हैं। और आज उसी दिन में जिस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोज किया था, इसलिए प्रभु आज इस भोज में तेरी वो सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि, ऐसा वो विवेक भरा मन आ जाए, जब जे खाएं और पिए मेरे पिता इनके जीवन सेम ना रहे, ये हमेशा के लिए तेरी आत्मा में तपधील हो जाएं, हर तरह का क्रोध, गुस्सा, हर तरह की निराशा, हर तरह की परेशानी जो बोझ है इनके जीवन में, खुदावंद आज इस पवित्र बोझ को खाने और पीने से इनके जीवनों से हट जाए, क्योंकि प्रभु तूने हमारे सारे बोझ क्रूस पर उठा लिए हैं, और तेरा वचन कहता तुमने हमें आजादी दी है। इस आजादी के लिए और आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते पिता, कि आपने हमें से योग्य समझा कि हम तेरी देह और लहू के बाकी हो सके। धन्यवाद करते पिता, और विश्वास करते खुदा जो मैंने प्रार्थना की पिता, तो स्वर्ग में सुनकर आज खुदा इस बोझ के द्वारा अपने लोगों को बड़ा आशीष कर चुका, बड़ा आशीष कर चुका पिता, बड़ा आशीष कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो लो अपना बोझ धन्यवाद करके कहो, जकड़ा हुआ था मैं, तूने मुझे छुड़ाया, पापी गुनाहगार था, तेरे लहू ने मुझे बचाया, सलीब पर का दिन हमारे लिए बहुत ही लकी है। हर संडे, हर वीरवार तो हम मीटिंग करते ही करते हैं, बोलो क्या है, हर संडे वीरवार मीटिंग तो हम करते ही करते हैं, पर आज की मीटिंग हमारे लिए बड़ी खास है। वाई, क्यों खास है, क्यों खास है आज? क्योंकि आज के दिन ही प्रभु ने
इस वाचा को अपनी देह और अपने लहू में अपने चेलों के साथ खाकर बांधी थी, और आज पूरी दुनिया, बोलो क्या है, आज पूरी पृथ्वी में ये दुनिया इस चीज को कर रही है, और हम यीशु मसीह के आने की क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए लकी है। एक बार उस खुदा के लिए, उस सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के लिए उसने इतनी दर्द को सहा, जोर से तारीफ करते हुए उस खुदावंद की, दिल से आमीन। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार परमेश्वर की जीवित हाजूरी में, और मेरा विश्वास है कि आज भी खुदावंद आपको मोर ब्लेस करेगा। आप जैसे आए आप वैसे नहीं जाओगे, और आज भी परमेश्वर अपने वचनों को स्वर्ग से वो भेजकर आपकी हर निराशा को दूर करेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को वो ओपन करेगा, वो खोलेगा आज भी अपने वचन के द्वारा आपकी आंखों को, और वो बताएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, हम आज के वचन के लिए होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का, उस पिता का धन्यवाद करते हैं, करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, माय लॉर्ड जीसस, आप महान हो पिता, आप सर्वशक्तिमान हो पिता, आपके जैसा, आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है खुदा। जैसा प्रेम आपने किया वैसा कोई नहीं करता। यस खुदा, तेरा वचन कहता है कि तेरी बनाई हुई दुनिया तेरे ज्ञान न होने से नाश हो रही है। एक तो वो लोग जो पिता तेरे ज्ञान को नहीं जानते, एक वो लोग जो तुझमें आ तो गए हैं पर तेरे ज्ञान को ना समझने के कारण आज भी वो बोझ के तले हैं, आज भी वो एक निराशा में है, आज भी वो खुदावंद वो सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। पर परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि ज्ञान ना होने से प्रजा नाश होती है। इसलिए मैं आज मांगता हूं प्रभु तेरे इन लोगों के लिए जितने हमारे साथ ऑनलाइन मेरे प्रभु इस समय जुड़े हैं, या जितने भी इस मीटिंग को देखते हैं प्रभु, उन पर तेरा अनुग्रह आए, उनकी फैमिलियों पर आए, जो लोग निराश हैं, परेशान हैं, बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा के से जकड़े हुए हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, नशे में है, कर्ज में है, बीमारी की हालत में है, खुदावंद मैं मांगता हूं प्रभु आज तेरे जीवित कलाम से, आज खुदा तेरे जीवित उस वचनों से उनकी आत्मिक आंखें खुले, उनकी आत्मिक आंखें खुले मेरे प्रभु। जैसे तूने लुथिया और जकई का मन खोल दिया प्रभु अपने वचनों के लिए पिता, तू आज इनके मनों को खोल चुका पिता, जितने ऑनलाइन है जो जहां पे पिता तू खोल चुका पिता, ताकि जब ये आज का वचन सुने तो तेरी आत्मा की भरपूरी से भर जाए मेरे खुदा, तेरी रूह की भरपूरी से भर जाए, और ये जितना वचन सुने पिता इनकी बुद्धि और समझ में आए, और कोई अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से प्रभु तेरे जीवित वचनों को चुरा ना पाए, तेरे जीवित वचनों को चुरा ना पाए। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूं खुदा आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए पिता, ये जितना वचन सुने इनकी बुद्धि और समझ में आए, तेरे जीवन और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।